तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लॉ का एक अच्छा सा कोर्स कर लिया जाए। कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं एमपी में लॉ कोर्सेज के लिए, हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और उनमें से भी बेस्ट एंड बेस्ट। अगर जानना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पर तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की जुड़ी जानकारी मिलती रहे इसी चैनल पर सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करें। मध्य प्रदेश में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट तो NLIU भोपाल है ही आप सभी का चहेता, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है। क्लाइंट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा और अच्छे स्कोर के आसपास आपकी रैंक बढ़िया होनी चाहिए, आपको मिल जाएगा। 1997 का एस्टैब्लिशमेंट है, 47 एकर्स का कैंपस है, BCI UGC का अप्रूवल है, 6 कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको सीट इंटेक की बात करें तो लगभग 200 कुछ सीट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाने वाली है। NLIU.ac.in यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बेसिस पर एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोर्सेज में देखें तो BA LLB ऑनर्स का एक कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसके लिए लगभग एक साल की 3 लाख रुपये फीस है हॉस्टल को इंक्लूड करते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए भैया, 12th क्लास पास कर दी है और क्लैट के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, 66 सीट्स हैं जिसमें से 5 सीट्स जो हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है भाई। BSc LLB ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी से ये एक ऑप्शन है आपके पास, अराउंड 3 लाख ही फीस स्ट्रक्चर है एक साल का इसके लिए भी, और 12th क्लास में आपको हाँ पास होना चाहिए, क्लैट में अच्छा खासा आपका स्कोर होना चाहिए तब जाके अच्छी रैंक पे मिलेगा। 60 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। PG कोर्सेज में LLM कोर्स ही कंडक्ट करा रहे हैं जो 2,60,000 रुपये, 2,60,600 रुपये एक्चुअली, ठीक है, हॉस्टल समेत ये फीस है एक साल की। और यहाँ मिनिमम LLB में 50% का एग्रीगेट होना चाहिए, 50 सीट्स हैं LLM के लिए तो आपको यहाँ पे ये कोर्स करने हैं तो हो सकता है। PhD अगर करना चाह रहे हैं यहाँ से तो PhD के लिए भी लगभग 1,82,500, मतलब लगभग मान लो 1,90,000-1,02,000 के आसपास एक साल का खर्चा है यहाँ पे। आपको मास्टर्स डिग्री 55% से होनी चाहिए और 25 सीट्स कुछ अवेलेबल है PhD कोर्सेज के लिए। वहीं अगर आप मास्टर्स साइबर लॉ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से करना चाह रहे हैं तो 1,84,700 एक साल का इंक्लूडिंग हॉस्टल खर्चा है यहाँ पे, 2 साल का ये कोर्स होता है, 66 सीट्स है, वही आपको बैचलर डिग्री जो है 50% से करनी होगी। दूसरे पे आए इनके प्लेसमेंट पे तो हाईएस्ट जो है 15 लाख का, हाईएस्ट नहीं ऑन एन एवरेज 15 लाख का ये प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और 28 से 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज जो है बच्चों को मिला है, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास NLIU भोपाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे पे आ जाते हैं अपन DNLU जो है धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये जबलपुर में है JBP, और दूसरा NLU है MP का। एस्टैब्लिशमेंट 2018 का है, 120 एकड़ का कैंपस, BCI UGC का अप्रूवल, 3 कोर्स, 180 सीट इंटेक है और MPDNLU.ac.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जानकारी मिलेगी। कोर्सेज में अगर हम बात करें BA LLB ऑनर्स का ये कोर्स है 2,96,410 रुपये एक साल, यानी लगभग 3 लाख रुपये इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका खर्चा आएगा यहाँ पे, और 12th क्लास में 50-55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, उसके बाद क्लैट देंगे, अच्छा स्कोर लेके आएंगे, अच्छी रैंक पे आपको यहाँ ये मिल जाने वाला है। LLM कोर्स अगर करना चाह रहे हैं तो लगभग 3 लाख रुपये एक साल का इंक्लूडिंग हॉस्टल खर्चा आने वाला है और बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स है। PhD अगर देख रहे हैं तो PhD 97,100 रुपीज़, मतलब 1 लाख मान लो ऑन एन अराउंड, तो ये LLB LLM आपका होना चाहिए 50% से, ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हैं PhD कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स देखें तो 12 लाख का एवरेज है और 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज है जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन NLU के हिसाब से बढ़िया है और थोड़ा अच्छा प्रयास कर सकते हैं यहाँ। फिर आ जाते हैं DABB देवी एल ए विश्वविद्यालय, ये अच्छा खासा नाम है, स्टेट यूनिवर्सिटी है MP की, इंदौर में सिचुएटेड है, 1964 से एस्टैब्लिशमेंट है, 760 एकड़ के कैंपस है, BCI का अप्रूवल है, 4 कोर्सेज है और भाई 200 से ज़्यादा सीट्स हैं, slaw.daunif.ac.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी इसकी जहाँ पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। BA LLB का कोर्स है जो कि लगभग 1,20,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर, LLM के लिए लगभग 37,000 से लेके 2,40,000, ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं।
और BLLB के लिए 12th पास मिनिमम होना चाहिए आपको, 50% का क्राइटेरिया रहता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 60 कुछ सीट्स हैं, कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया आपके होने वाले हैं। वहीं यहाँ पे LLM के लिए कुछ 35 सीट्स हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया होने वाले हैं। इसके लिए LLB आपको करना होगा 50% से। MPhil का कोर्स है लॉ का, जिसमें 1,60,000 करीब फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और वहीं PhD लॉ से करेंगे तो लगभग 12,000 रुपये करीब यहाँ फीस स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे LLM के लिए, MPhil के लिए LLM आपको 55% से होना है, और PhD के लिए भी LLM 55% से आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ सीट्स की बात करें तो 10 सीट्स कुछ हैं MPhil के लिए, और यहाँ पे ये PhD के लिए नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिपेंड करती हैं यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से। चलिए प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो 6 से 7 लाख का ओवरऑल प्लेसमेंट इनका एवरेज है। और वहीं 50 LPA का हाईएस्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिला होगा, लॉ में इतना नहीं गया होगा। बरकतुल्ला ये स्टेट यूनिवर्सिटी भोपाल की है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1970, 400 एकड़ का कैंपस, BCI अप्रूवल, 4 कोर्सेज, 60 कुछ इंटेक्स हैं। BU भोपाल.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी इनके बारे में। कोर्सेज BA LLB और LLB प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं। 2,75,000 कुछ अप्रॉक्सीमेट इनका फीस स्ट्रक्चर है BA LLB के लिए। वहीं 29,000 से 99,000 तक का फीस स्ट्रक्चर LLB के लिए है। यहाँ CBSE 12th में आपको पास करना होता है, और उसके बेसिस पर CUET के बेसिस पर एडमिशन आपको मिल जाता है। और वहीं LLB कोर्स के लिए भी ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए, 50% का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो मिल जाएगा। LLM के लिए लगभग 70,000 की फीस है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, CUET PG के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। PhD के लिए 29,000 से 99,000 तक का फीस स्ट्रक्चर है अप्रॉक्स उसके अराउंड, और यहाँ पे भी आपको LLM करना होगा, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। प्लेसमेंट्स की बात करें तो 4 से 5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई 20 का हाईएस्ट इन्होंने बताया है जो हो सकता है, लॉ का तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग वाले वगैरह देख सकते हैं आप। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये भी इंदौर में सिचुएटेड है और जाना माना इंस्टीट्यूशन है लॉ के लिए, बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। 2003 में स्टाब्लिश है, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है, 120 एकड़ का कैंपस, BCI अप्रूवल, 4 कोर्सेज, 200 से ज़्यादा सीट। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ law.org ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके जानकारी आपको मिल जाएगी इनके बारे में। कोर्सेज की बात करें तो BA LLB ऑनर्स कोर्स करा रहे हैं, लगभग 7.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर है इनका ऑल टोटल। BBA LLB भी ऑनर्स में करा रहे हैं, लगभग 10.5 लाख का स्ट्रक्चर है। यहाँ 12th पास आपको करना होता है 60%, क्लैट है, और LLM के लिए भी लगभग 1,10,000 करीब ऑल टोटल फीस स्ट्रक्चर इनका है। और इसके लिए भैया आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, ठीक है, 55% का मार्क्स आपके होने चाहिए। चलिए प्लेसमेंट्स की अगर देखें यहाँ पे तो 4 से 5 लाख का आपको ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट दिखा रहा है, 8 लाख का हाइस्ट दिखा रहा है, जो हो सकता है और बच्चे प्रेफर करते भी हैं यहाँ, ठीक है। सो आप इसको देख सकते हैं। फिर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रेस्टीज इंदौर, प्रेस्टीज कॉलेज है इंदौर में, जो कि 1994 में स्टाब्लिश, 3 एकड़ का कैंपस है, BCI का अप्रूवल, 5 कोर्सेज है, 60 इनटेक है। इसमें PIMR, वैसे इसको PIMR प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च करके इसका है, तो PIMR indoor.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, जिसमें BBA LLB की बात करें और BA LLB की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 कुछ खर्चा इनका आ रहा है। 12th क्लास आपको पास होना होगा, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसके अलावा अगर बात करें BCom LLB भी लगभग सेम ही है। LLB जो है लगभग 85,000 रुपये का अप्रॉक्स खर्चा इनका बताया हुआ है, और इसके लिए आपको 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होता है। LLM के लिए भी आपकी हाँ LLB की डिग्री होनी चाहिए। 2,40,000 कुछ अप्रॉक्सीमेट खर्चा यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। प्लेसमेंट की बात करें तो 5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं, वहीं 13 लाख का हाइएस्ट पैकेज है, तो भाई ये ठीक हो सकता है, सकता है। LNCT भोपाल, LNCT ये इंजीनियरिंग के लिए जाना माना है, वहीं बरकतुल्ला की डिग्री मिलेगी यहाँ पे लॉ कोर्सेज के लिए, भोपाल से है। स्टैब्लिशमेंट 2015 का है, लगभग 50 एकड़ पर फैला BCI का कैंपस है, मतलब BCI का रिकॉग्निशन है यहाँ पर, 5 कोर्सेज से, 60 इनटेक है, और LNCTU.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको जानकारी मिल जाएगी इसकी। कोर्सेज की बात करें तो BA LLB, BBA LLB, इसके अलावा और कोर्सेज की अगर बात करी जाए तो LLB, LLM, LLM क्रिमिनल लॉ, ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है जो फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कम लग रहा है, 1,800-2,000 रुपये नहीं होगा, ये मुझे लगता है 1,80,000
या फिर 18,000 ऐसा कुछ होगा, एक बार इसको कंफर्म कर रहा हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेम आपकी क्या है जो रहती है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो 6 लाख का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 12 लाख का बच्चों को मिला है। तो एक ऑप्शन आप अगर देख रहे हैं तो चूज़ कर सकते हैं। और वंदो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये भी ठीक ठाक नाम है, हाँ ये इंदौर में सिचुएटेड है, और ये मेडिकल के लिए जनरली ज़्यादा जाना जाता है इंदौर में, लेकिन ये बहुत सारे और कोर्सेज भी कराते हैं जिनमें से लॉ भी एक कोर्स है। 2022 में स्टैब्लिश चौवनीकर के कैंपस है, BCI अप्रूवल, 3 कोर्सेज, 120 इंटेक, श्री अरविंदो university.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जानकारी आपको मिल जाएगी। BA LLB लगभग 50,000 रुपये का एक साल का फीस स्ट्रक्चर है इनका, और इसके लिए आपको 12th पास करनी होती है, क्लेट वगैरह और भी एग्जाम्स, उनके बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है। LLB 40,000 रुपये एक साल की फीस स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको ग्रेजुएशन 50% से होनी चाहिए। LLM के लिए आपको LLB करनी होगी या फिर 5 ईयर प्रोग्राम आप कर सकते हैं, और 55,000 रुपये करीब एक साल की फीस स्ट्रक्चर है। तो भाई ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेसमेंट देखें तो 5 लाख का यहाँ एवरेज और 10 लाख का हाइएस्ट प्लेसमेंट जो है बच्चों को मिला हुआ है, तो ये भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इंदौर में है IPS अकेडमी, IPS भी इंदौर पब्लिक स्कूल बोलते हैं बेसिकली, है ना, लेकिन ये कॉलेज है ऑब्वियसली, और ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराता है, इंजीनियरिंग के भी, मैनेजमेंट के भी, लॉ के भी ये कंडक्ट करा रहा है। 1994 में स्टैब्लिश हुआ, 58 एकड़ का कैंपस, UGC अप्रूवल है, 2 कोर्सेज हैं, 120 इनटेक है, और law.ipsacademy.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जानकारी आपको इनकी मिल जाने वाली है। तो अगर बात करें BA LLB प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड, 1 लाख रुपए करीब फी स्ट्रक्चर है इनका, 12वीं में 45% आपके होने चाहिए। वहीं LLB के लिए 36,000 रुपये का अप्रॉक्स ये एस्टीमेट है, फी स्ट्रक्चर है, जिसके लिए आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% से। प्लेसमेंट्स की बात करें तो 4 लाख का एवरेज और 10 का हाईएस्ट प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराया है। ठीक हो सकता, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ नाम ठीक है, स्ट्रक्चर भी इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। मेडिकैप्स की बात करें तो ये भी जाना माना नाम है सांगबिर ग्रुप का, इंदौर में ही सिचुएटेड है, और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, सच्चाई तो यही है। 2000 कुछ होगा, 2003 करीब हो गया, जो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। 33 एकड़ का कैंपस है, UGC BCI का अप्रूवल है, 3 कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं, 120 का फीस स्ट्रक्चर है। medicapps.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जाके आप इनकी जानकारी ले सकते हैं, एक बार चेक करना होगा। और कोर्सेज की अगर बात करें तो अभी लॉ के लिए बिल्कुल नया है यार, ये है ना, ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, नया ही है। BA LLB का कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, लगभग 12.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। BBA LLB ये भी दोनों 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 12.5 लाख का स्ट्रक्चर है ना। और मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी का ये पर्टिकुलर टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट, जिसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज और भी ऑप्शंस हैं। LLB कोर्स 4.5 लाख अप्रॉक्स फी स्ट्रक्चर है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन डिग्री किसी डिसिप्लिन में करना होगा, उसके बेसिस पे 50% मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। ऑन एन एवरेज अगर बात करी जाए तो 6.5 लाख का प्लेसमेंट बच्चों को ये बता रहे हैं, 12 का हाइस्ट बता रहे हैं। तो भाई आप भी अगर चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज और भी ऑप्शंस हैं MP में अच्छे से अच्छे। आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट करेगा ये चाहता है तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा। बाकी दोस्तों को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो तो लाइक पर करिए। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।